एक व्यक्ति जब कार चलाता है तब उसको ड्राइवर कहते हैं और जब कार नहीं चलाता तब उसको ड्राइवर नहीं कहते। हमारी स्थिति वैसी है, जब भगवान के सामने बैठे तो भक्त है, वहां से उठ गए तो विभक्त। भगवान का भक्त 24 घंटे भक्त ही रहता है, विभक्त नहीं होता। और यदि हमारे हृदय में भक्ति प्रकट हो गई, प्रेम प्रकट हो गया, तो हम किसी के लिए भी समस्या नहीं होते। देखो, उनके सुख में जिसको सुख मिलता है उसको कहते हैं भक्ति, अपने दुख की वहां बात नहीं होती। हमारा जो प्रेम है वो कैसे है, हमने आपके लिए इतना प्यार से घर के लाया है, बना के लाया है, आप और खाओ, लेकिन हम मरेंगे ना, दैट्स अ डिफरेंट इशू। मेरे प्रेम के लिए आप माने, उसमें मेरा प्रेम, मेरा दुराग्रह, ये महत्व का होता है, ये भक्ति नहीं है महाराज। यदि अपने अभाव से किसी को सुख होता है तो निकल जाओ, यदि प्रेम हो तो। हमारा प्रेम ये है, हम किसी के ऊपर में अपने आप को लादते हैं, जैसे मच्छर होते हैं ना, निकल जाओ, हम अपने को ही मारते हैं, वो अपना दूर से देखता है, वो प्रेम नहीं है, वो मानसिक विकृति है। इसीलिए भक्ति का, प्रेम का अर्थ इतना सजग होकर के जीना कि जिसके द्वारा हम जिससे प्रेम करते हैं उसको इतना भी कष्ट ना होवे, तब वो प्रेम है। हमारा प्रेम माने हम जो चाहे वो अगले ने किया तो हमारा प्रेम पूरा हो गया, ये प्रेम नहीं है महाराज। और दूसरी जो प्रेम की बात होती है, भक्ति की बात होती है, हम सोचते हैं कि हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम है, हमारे हृदय में भगवान है। जिसके हृदय में भगवान होते हैं उसके हृदय में संदेह, राग, द्वेष और भय कभी नहीं, किसी प्रकार की जगत के प्रति कामना नहीं होती। और जब कामना नहीं होगी तो क्रोध, लोभ, भय, अपना पराया, ये सब कुछ हमेशा के लिए मिट जाता है।